अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को जागर किया जा रहा है। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसिल मेहदीपट्टनम पर एक फैमिली को टारगेट बनाया जा रहा है। पिछले कई महीनों से आरटीसी की जगह पर कब्जा कर रहे हैं, ये मानकर आरटीसी डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये लोग को हिरासत किया जा रहा है। कई बार इनका डब्बा उठाया गया और ये कोर्ट से फिर वो डब्बा लाकर बिठा रहे हैं। ऐसी क्या बात है, एक डब्बे के लिए सारी पुलिस और महकमा एक हो गया है और बड़ी तादाद में आकर इनके साथ मारा पीटा जा रहा है। ऐसी क्या वजह है जो इस डब्बे में है? कुछ दिन ही हुए थे ये हादसा हुआ था, फिर आज ट्रैफिक पुलिस अपनी टीम के साथ बड़े पैमाने पर ये डब्बा उठाने के लिए आए। लेकिन एक इंसान की रोजी रोटी जिस डब्बे पे हो और उसका खानदान उसका घर पलता हो, वो कैसे जाने देता? वो अपने आप को खत्म करने की धमकी दिया और वो उस गाड़ी के नीचे लेट गया जिस गाड़ी में इसके डब्बे को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने चालाकी से उसको बाहर निकाल कर उसको भी हिरासत में लिया और डब्बे को भी लेकर गए। और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जानिब से उस लड़के को मारा पीटा जा रहा है। ये कहां का कानून है? जवाब देना होगा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को, जो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, गरीबों के लिए गरीबों का मसीहा बनकर फिरते हैं। फिर ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस, लैंड ऑर्डर पुलिस, ये बोलते नहीं थकती ये फ्रेंडली पुलिस है। लेकिन फ्रेंडली पुलिस अगर ऐसी है तो ऐसी फ्रेंडली पुलिस की हमको जरूरत नहीं। बहरहाल हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चाहिए कि इस मामले में सीधे मुदालखत करे और इन गरीबों की मदद करे और ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करे जो पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। थोड़ा सामने आकर जरूरत बता रही समझो साथ अपनी कौम की वो याद है। भाई मैं मुसलमान हूँ, बोल रहे दरगाह के नहीं हूँ साहब, 35 साल से दरगाह के नहीं हूँ। अरे चल के बात कर तू, क्या बोलना है? सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।